जैसे खाना खाया तभी इतने भाई आगे मिलने के लिए। कहाँ से? हेलो भाई, शिमला। शिमला शिमला। कैसे लगी लद्दाख आपको जगह? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी। मैं तो बोलता हूँ जन्नत है। आप देखो पहाड़ एक बार यार, अभी कर रहे हैं साइड। 3, 2, 1 गो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपनी शुरुआत हो रही है अगेन करगिल से। पिछली बार मैंने देखा था यहीं पे ढाबे में हम खड़े हो गए थे क्योंकि अपना आगे कानवाई का मसला था। कानवाई होनी थी, बैटरी डाउन थी, तो हमें बर्फी पड़ चुकी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी थी, उस वजह से हम यहीं पे रात को सोए। बस यहाँ से सुबह चाय पियेंगे, गाड़ी कर दिया स्टार्ट, शीशे कर दिए साहब, बस चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। तो मतलब 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे मीना मार्ग, फिर वहाँ से 3 बजे कानवाई छोड़ेंगे श्रीनगर की तरफ। गाड़ी कर दी स्टार्ट। बार एक चीज़ दिखाऊँ, पहाड़, और वो पहाड़ सामने ना, पहाड़ों में पड़ चुकी है बर्फ़, पूरा को पड़ा हुआ, धुंध पड़ी हुई है, दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी थोड़ी दिखा रहे, बट ऊपर पूरी बर्फ पड़ी हुई है जो कि कल नहीं थी, आज रात को ही पड़ी है। चाय वगैरह भी पी ली। सुबह के 8:30 बजे का टाइम आप निकलेंगे यहाँ से। आप निकल के वहाँ से भी चाय पी के और आगे का एक बार सीन देखो यार। धीरे धीरे पहाड़ों का सफ़र कम होता जाएगा, बस लास्ट वाली जोजिला पास ही क्रॉस करेंगे, उसके बाद तो हमें कोई पहाड़ मिलेगा ही नहीं। वो पार पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ दिख रही है बट आगे नहीं देखेगी, उसी बात का थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर कोई चक्कर नहीं, नेक्स्ट चक्कर देखेंगे फिर से यहाँ की बढ़िया क्या करें। और काफ़ी कमेंट आए थे भाई जो चलाने हैं उनके बारे में बताओ। भाई का नाम है राजू भाई उधमपुर से। बाकी तो कहीं खड़े होके अलग से अपना आपको बताएंगे, पूरा इंटरव्यू टाइप लेंगे। और जो आगे कंटेनर जा रहा है उनके मामू जी है ना, वो मामू जी की गाड़ी जा रही है, दोनों साथ हो गए। तो साथ गाड़ी गए नहीं कि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो पता हाँ एक गाड़ी और है, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल जाएगी ना। अभी बस अपना सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यू, बस वेट है जोजिला पहुँचेंगे। आते टाइम तो अंधेरे में पहुँचे थे ना, कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, पर जाते ना मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा। इससे पहाड़ों के साथ साथ में नदी के साथ चल रहे। पानी काफ़ी ठंडा है नदी का, पूरा बर्फ पिघल के ना उसी का पानी बना हुआ है। और पहाड़ देखो दराज से ऐसे रह गया है लगा 15 किलोमीटर, बस दराज रह गया थोड़ी। वही यहाँ पे शहीद हुए थे, टूरिस्ट पॉइंट है बट हम रुक नहीं सकते, काफ़ी तगड़ी जगह, बट किसी ना किसी जगह मतलब किसी ना किसी वक्त तो इस पर आएंगे। जो भी टूरिस्ट आए उनकी गाड़ियों में पार्किंग अंदर जाते, पूरा आर्मी एरिया है। फोटोग्राफी कैमरा पता नहीं अलाउ है नहीं है, लेकिन बोर्ड लगा होता है नो ड्रोन एरिया, मतलब यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और दराज से ऐसे रह गया 6 किलोमीटर। और अभी मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था बट कुछ नहीं भाई देख रहे होंगे ना, फिर मैं बता दूँ दराज वो जगह है, चलो 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 चलो, दराज है वो जगह वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की 2nd कोल्डेस्ट प्लेस में गिनी जाती है दराज। ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, बट हालांकि यहाँ पे तो दिन ठंड महसूस नहीं हो रही बट फिर भी ये ठंडे प्लेस में गिनी जाती है। सामने पहाड़ में तो पूरी सफेद बर्फ़ दिख रही है, और यहाँ पर भी दूर दूर वो बर्फ़ को देखे ना, इस जगह को देख के वादियाँ नीचे ग्राउंड टाइप है पूरा, इसको देख के कुछ लाइन याद आ गई। मतलब मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा घर नहीं है, उन भाइयों की तरफ से जिनका घर मतलब ऐसे एरिए में है। अभी के लिए हम साहिल भाई का घर है तो साहिल भाई को सोच लेते हैं, उनकी तरफ से कुछ लाइन कि जिसको तुम जन्नत कहते हो ना वहाँ घर है मेरा। अभी चल रहे हैं आगे, जोजिला रह गया 39। यहाँ पे वो आगे तक गाड़ियाँ रोकी हुई, आगे चेक पोस्ट ना आर्मी के, तो मुझे लग रहा है आर्मी की कानवाई एंटर होगी, आएगी या बाहर जाएगी, इससे सभी गाड़ी रोक दी। कुछ बाहर का ये मंजर, आगे आर्मी ने गाड़ी रोकी हुई है, रीज़न नहीं पता क्या है, तो सभी पीछे भी लाइन खड़ी है। और भाई आए मिलने के लिए 6 चक्का, भाई ब्लॉग बनाते हैं ना, भाई को भी सपोर्ट करना। भाई सभी मेहनत कर रहे हैं, अभी बहुत बंदे ब्लॉग बना रहे। क्या नाम है? भाई को भी करना सपोर्ट। और पहाड़ियों में कुछ ये मंजर, आसमान कितना सही लग रहा है, पूरी लाइन लगी। वो है ना आगे आर्मी का गेट, आर्मी स्कूल है, अभी पता किया वो आर्मी स्कूल है, तो वो स्कूल टाइम में गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, उसकी वजह से सारी इन्होंने रोक दी। आज ये छोड़ेंगे मतलब 10:30 बजे के आसपास, जब स्कूल टाइम सभी गाड़ियाँ अंदर आ जाएंगी, उसके बाद ही 10:10 हो गए ना, गाड़ियाँ आर्मी की चली गई अंदर। अब वो कुछ नाके से उधर से छोड़ रहे हैं, कुछ इधर से हो रहे हैं, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और पार बर्फ़ देखो यार, आएंगे फिर से अगला चक्कर देखते, तब इसी जगह में कंपेयर करेंगे ना इस वीडियो को, और आगे जो जब आएंगे तब देखेंगे कि ये बर्फ़ कम हो गई है या और पड़ गई। कर रहे हैं अभी दराज सिटी क्रॉस, या अभी यहाँ पे भी छोटी गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी खड़ी होती है। चलो सिटी करते क्रॉस, फिर आगे पहुँच जाएंगे हम मीना मार्ग में, फिर करेंगे कानवाई का वेट, खाना भी दोपहर का वहीं बनाएंगे, तो वहाँ से 3 बजे के आसपास छोड़ेंगे, फिर देखते जाम लगेगा क्या सीन है, वो तो आगे आपको दिख ही जाएगा। दराज से निकले आगे, और मामू जी की गाड़ी इनकी खड़ी हुई पीछे, तो हम चल रहे हैं आगे। अपने पास प्याज टमाटर सब कुछ है, बाकी सब्जी लेंगे पीछे से, फिर आगे ही खड़े होके बनाएंगे अपना खाना, क्योंकि अपने पास टाइम है, अपना खाना बना लेंगे। अभी 3 बजे छोड़ेंगे तो रात को भी अगर सब्जी बच गई तो वही खाएंगे। एक बार क्योंकि वरना पीछे देख देते हो नीचे तक आ गया बस कुछ टाइम आ गया हमें बर्फ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इधर करेंगे अपनी गाड़ी का वेट और पास ही हल्का था पानी भी भरेंगे गाड़ी में रुके बुके निकालेंगे अपना अपना पानी बाकी सब कुछ नहीं रखेंगे बाइक के साथ में आ गया अपनी गाड़ी पीछे यहाँ पे मस्त अपनी गाड़ी की करेंगे रीच पूरी शूट सब पकड़ा हुआ नहीं यहाँ पे। पहुँचे मीराबाद कार्रवाई में और लगी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पीछे भी अपनी लगी पूरी लंबी लाइन और कहीं पे रुक के बनाएंगे खाना। बर्फ देखो यार यहाँ से गाड़ी निकल गई अपने पास उतराई बन गई आगे से गाड़ी आ रही है यहाँ पे उतराई बन गई अब गली बंद करके खाना बनाएंगे और जब छोड़ेंगे तो यहाँ से बैटरी से स्टार्ट हो गई धक्के से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले अपनी ड्यूटी करते खुटी ले आता हूँ यहाँ पे पत्थर फंस गया टायर में वो निकालता हूँ सबसे पहले। पीछे तो पूरे पहाड़ों में वो हो गया धूंधी बढ़ गया पीछे से भी गाड़ी खड़ी आगे भी गाड़ी खड़ी। अब खाना अपना बना रहे गाड़ी में बनाते ही फिर देखते हैं यहाँ पे जब छोड़ेंगे। खाना भी अपना बन के बस खाना खाएंगे और शीशे में देखो बारिश की बूंदें यहाँ पे बारिश लग चुकी है और सामने का व्यू देखो। यहाँ पे जगह जगह आर्मी वाले खड़े थे जो कि गाड़ियों को आगे नहीं आने के लिए सहल लगा रहे वो आगे से कानवाई आए थे इसलिए अब कानवाई आनी स्टार्ट हो गई आगे से। अभी वहीं पे खड़े हैं खाना वगैरह अपना हो गया बस बर्तन भी साफ कर दिए जैसे खाना खाया तभी इतने भाई आगे मिलने के लिए। कहाँ से? हेलो भाई शिमला 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 से हम भाई शिमला से हमारा सपना भी है शिमला जाने का। हाँ भाई जब मर्जी पिछले सीजन आना था वो से भी बह के बारिश होगी ना फिर हम आए नहीं आप हम वो करगिल खड़े थे हम कल से करगिल खड़े थे। आगे कैसा रास्ता है? आगे ठीक है रास्ता अभी बर्फ नहीं है बस बाकी ठीक है। बस 3 बजे हमें छोड़ेंगे आपका तो है नहीं आप तो जाओगे टापो टाप हमें छोड़ेंगे यहाँ से 3 बजे। चलो साथ चलते हैं। ओ हमें जाने नहीं देते तो आपका ब्लॉग बहुत देखते हैं हम। शुक्रिया ललित भाई रॉबिन भाई वीरेंद्र ठाकुर साहब हमारे घूमने निकले हो कहाँ लद्दाख सारी जगह घूमे या कुछ जगह ही? सारी जगह ही नहीं लद्दाख हो गया अपना पेंगोंग गए थे पेंगोंग में भी गया था जब पहली बार लद्दाख आया मैं पेंगोंग गया था फिर हाँ सब ठीक ठीक है भाई। ये आगे बाइक की गाड़ी 0009 और मुझे ये गाड़ी लद्दाख में मिली थी मैंने नोटिस की थी क्योंकि नंबर यूनिक है ना थोड़ा अलग है तो आंखों में आ ही जाता है मतलब देखता ही है। कैसे लगी लद्दाख आपको जगह? बहुत बढ़िया बहुत प्यारी मैं तो बोलता हूँ जन्नत है बताया मैं सुकून कहूँ तो तुम लद्दाख सोच लेना कुछ वैसे ही। मेरा भी आज अब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे मुझे बाइक राइडिंग करनी है लद्दाख की। कश्मीर कैसा है? कश्मीर नहीं लेकिन लद्दाख के मुकाबले कश्मीर कम है बट फिर भी ठीक है। हमारा ट्रक है ना मैं ना हम सिटी में जाते ही नहीं घूमने वाली जगह जाते नहीं बाईपास तो हमने पूरा घूम लिया अच्छा लगा थोड़ा उधर हरियाली कम है हरियाली ज्यादा है हरियाली है ही नहीं बस पेड़ ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा। चलो फिर अभी आप ही निकलोगे आगे हम तो अभी आएंगे 3 बजे ठीक है फिर कभी मिलेंगे अनुज भाई से मुलाकात होगी कभी ठीक है भाई ओके। बस हमारा खाना भी हो गया अब मोबाइल डेड है मैं आया चार्ज लेके अपनी बैटरी मेरे आपको पता ही है ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे मैंने से ऑफ रखा हुआ है तो चार्ज लगाते इस गाड़ी में। 2:30 बजे का टाइम हो गया खाना पीना बना खा भी लिया था अभी बनाई चाय तो थोड़ी गिलासों में डाल दी बाकी बैटरी में डाल के रखती आगे पीने के लिए तो 3 बजे के आसपास छोड़ेंगे अब देखते हैं कब तक छोड़ रहे हैं। 3 बजने को 10 मिनट कम है और आगे से अभी किया 1 बजे ने फ़ोन तो सब्सक्राइबर भाई तो उन्होंने किया फ़ोन किया किसे लगभग लोग गाड़ियाँ छोड़ दी हैं और धीरे धीरे सभी चल पा रही है तो हमने भी निकाल दिया आगे बर्फ़ वाले पहाड़ आगे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी करके छोड़ रहे हैं धीरे धीरे आराम से पूरा देखो जाम ही जाम लग चुका लग गया धीरे धीरे जाम और नीचे वो पार्किंग वाली गाड़ियाँ बस हल्के हल्के तो आगे बढ़ रहे हैं और एक बार व्यू चेक करो यार तब से हवा चली थी टावी टावी अब धूप आ गई है पर धूप बिल्कुल नहीं थी और थोड़ी देर पहले बारिश भी लगी हुई थी यहाँ पे। मीना मार कार्रवाई कुछ वहाँ से गाड़ी छोड़ रहे ग्राउंड है ना वहाँ से छोड़ रहे फिर कुछ हमारे ग्राउंड से फिर वहाँ से। हाँ जी कितना पीछे है अभी? ठीक है, बस अपनी कार्रवाई होगी मीना मार्ग वाली। यहाँ से वो बोर्ड लगा ना, बोर्ड पढ़ के बताता हूँ कुछ क्या है। जोजिला टॉप 18 किलोमीटर, सोना मार्ग 35, तो श्रीनगर 121। आप देखते हैं सोना मार्ग 35 किलोमीटर है और टाइम मैं आपको बताता हूँ 3:05 और सोना मार्ग है यहाँ से 35 किलोमीटर। और सोना मार्ग पहुँचूँगा मैं, आपको फिर से टाइम दिखाऊँगा, फिर आपको चलेगा कि कितना टाइम लगता है, कितना बीच में जाम वगैरह लगता है। अभी चल रहे हैं मस्त से पहाड़ों के साथ। बर्फ़ देखो कितने पास दिख रही है अभी, नीचे भी यहाँ पे पानी, वहाँ पे जमी हुई बर्फ। रास्ता यहाँ से थोड़ा सोडा सिंगर रास्ता आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे रोडों का काम चल रहा है। तो लद्दाख जाते हैं आपको ऑलमोस्ट ना रोडों का काम आपको मिलेगा, रोड टनाटन। तो थोड़ी डैमेज होती है, रोड तुरंत बना देते हैं। अभी लेबर वाले भाई यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट। अभी आगे वाली गाड़ी रुकी हुई है, हम चल रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी देर रुकेंगे, ये चलेंगे। आगे जाम लग चुके क्योंकि भेड़ बकरी है ना, उनकी वजह से वो पार। देखो आगे रोड पूरी क्लियर। आगे हमसे 2-3 किलोमीटर एरिया में ना पूरी गाड़ियाँ दिख रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो आपको ही दिख रही होगी कहाँ कहाँ से जा रही है। यहाँ से चल रहा है टनल का काम, वो पास हमें थोड़ा आपको दिख रहा होगा। जब हम कम्प्लीट हो गया ना जोजिला पास के बाहर ही हो जाएगा, फिर टनल से गाड़ियाँ आएंगी, जो सोनामार्ग से थोड़ा आगे जाके निकलेगा वहाँ से। अभी हो गया सिंगल रास्ता स्टार्ट, और आपको कैमरे में दिख रहा होगा सामने, वो देखो अभी सांप की तरह मोड़ काट करके वो ऊपर तक जाना है। यहाँ से आगे से टर्न इधर चढ़ के फिर वो ऊपर से गाड़ी जा रही है, फिर वो बार बार से आपको टैंकर दिख रहे होंगे। यहाँ से जाना है और बिल्कुल ख़राब रास्ता, आगे धीरे धीरे तो और ज़्यादा ख़राब आएगा। तभी तो यही जो है ना जगह जोजिला पास, ये इंडिया के क्या वर्ल्ड के डेंजरस रोड में गिना जाता है। इंडिया की तो बात अलग है, बट वर्ल्ड के जो डेंजरस रोड आते हैं ना, उन पर भी उनकी गिनती में टॉप 10 या टॉप 20 में ये शामिल है। इंडिया के टॉप 10 रोडों में तो ये आता ही आता है। आ गया बिल्कुल डिफिकल्ट वाला मोड। वो भाई भी अपने जामशेद वाले भाई, सब्सक्राइबर भाई, चलो 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 पूरा कट है। मामू की गाड़ी, आपने मामू की गाड़ी पीछे रहेगी। कितनी प्यारी लग रही है यार रोडों पर। ओ आगे मोड़ है ना पुलिस गाड़ी वाला, तो भाई भी पहचानने वाले, सभी भाई भाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी पहचानने वाले गाड़ी वाले भाई। और नीचे का जो दिखाता हूँ मैं यहाँ से, एक साइड में थोड़ा ऊंचाई का होने को ना, अभी इतनी सारी गाड़ी यार देखो आते हैं ना। तो हमें यहाँ अंधेरे अंधेरे में क्रॉस किया, कुछ हमें खास मिला ही नहीं, ना कोई बर्फ़ मिली ना कुछ, बट अभी दिख रही है वो आगे पार जोजिला के पहाड़ सामने। बर्फ़ में चाय के मज़े, चाय मैंने हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ी सी डालिए, मैंने को दो पर बहुत थोड़ी डालिए, थोड़ी और डालता हूँ। यहाँ से लाएंगे आ जाइए मुझे 1 कप टी, तुमने हमको दी हमने पी ही। तो अभी चाय पीते हैं, बाकी पियेंगे, थोड़ी यहाँ बची हुई है वो पियेंगे जोजिला टॉप में जाके। यहाँ पे आ गया आर्मी का बेस कैंप, और वो देखो कितने सारे सोल्जर खड़े हैं। जो आगे से गाड़ी को मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है पहाड़ों में चढ़ने की और गोलियाँ चलाने की, बम्प्स। जब पिछले सीज़न आए थे ना आपने तब ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पे हमें गोलियों की पूरी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमने ब्लॉग में भी शूट किया था, जो कि इस पहाड़ी के नीचे वो शूटिंग करते हैं अपनी। अभी वो सारे ग्रुप में आके पहाड़ सामने खड़े, कुछ ना कुछ उनका सिस्टम चल रहा होगा। आप देखो पहाड़ एक बार यार, वो देखो यार बर्फ। आधे में दे रहा था मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई बर्फ देखी ही नहीं, आप फिर भी दिख रही है, बहुत कम है बट फिर भी है। रास्ता बिल्कुल ख़राब, क्योंकि बर्फ़ तो ऊपर से पिघल रही है ना, तो ऊपर से कंटिन्यू पानी आ रहा है रोड के साथ, रोड बह रही है। और यहाँ पर इतने पास में बर्फ निकल ऊपर, बात नीचे उसके पानी निकल रहा है। अरे गंदी यहाँ से धोड़ मिट्टी बढ़ गई ना, ऊपर से थोड़ी गंदी होती है बर्फ़। वो ऊपर जो टॉप में है ना, वो बिल्कुल वाइट साफ है। देखो रोड के किनारे में बर्फ मिल रही है। आगे लग चुका जाम, मैं चाक को लगे कुछ अलग चीज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप बर्फ, यहाँ पे देखते कुछ लिखने होता है, आप सोचोगे क्या लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हाँ ऐसे लिखने होगा। 50K, थैंक यू भाई 50,000 सब्सक्राइब के लिए, 50K। और आगे से गाड़ी चल बैठी, और इसमें कुछ अलग यूनिक हमने लेना था, सबसे चलते गाड़ी में कुछ यूनिक चीज़ करनी थी बट हो नहीं पाई। यहाँ पे ना भाई एक कन्फ्यूज़न हो गया है, मीनामार से ऊपर चढ़ते एक टनल जो आया मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे एक टनल और बन रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको एक टनल और बन रहा है। और जिन भाइयों को पता है ना, जो यहाँ पे चलते हैं उनको पता है, तो कमेंट करके बताना कि जो यहाँ ऊपर से टनल जा रहा है वो निकल कहाँ से रहा है, वो जा कहाँ रहा है। यहाँ से तो दिखाई देता हमें, बट वो जा कहाँ रहा है। बर्फ़ वाले पहाड़ों के बीच से चल रही और हल्का हल्का रुक रही, फिर चल रही क्योंकि जाम की वजह से। आगे पूरी लाइन है, फिर जाम लग गया। यहाँ पे फिर से बर्फ़ मिल गई। यहाँ पे ट्राई करते हैं इन लिखने की 50K के लिए। थैंक्स आप सबका। जल्दी से 100K कंप्लीट करने हमें, ताकि लद्दाख का हम बाइक टूर लगा सकें। और मुझे कोई यूनिक आइडिया करना था, मतलब बर्फ़ में ही कोई यूनिक आइडिया करना था, बट इतनी बर्फ़ मिली नहीं हमें। बट इसको अच्छे से और अच्छे से लिख देते हैं 50K। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और चलते फिर से अपनी गाड़ी में। लग गया यहाँ से फिर से जाम और पूरी लाइन खड़ी है पीछे तक, और हम भी खड़े। नीचे दरिया, ऊपर पहाड़, सामने बर्फ़। और मौसम की बात की जाए यार, आपको पता ही है सारी कहानी, मैं फिर अगेन कुछ नहीं बोलूँगा। बट बेहतरीन मौसम। तो आपसे यहीं खड़े थे, आप जाके समझाया कि जाम किस चीज़ का था। ये आगे से भेड़ बकरियाँ आ रही है ना, और देखो कितनी सारी आ रही है, बहुत सारी। उन्हीं की वजह से खड़े 4 से 5 मिनट हो गए, बट इनकी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही। पता नहीं कितने आ रहे हैं आगे से। भेड़ बकरी तो निकल गई, बट यहाँ पे देखो कार वालों ने कर दी है डबल लाइन। आप बोलते हो हर बार कार वालों को बोलते हैं, भाई गलत चलते हैं तो अभी तो बोलते हैं हम। अब कुछ कमेंट आते हैं कि भाई आप ही अब कार चलते ऐसे चलते हो कि भाई नहीं, हमें पता है कि किस तरीके से रोड पे चलना है। तो देखो यहाँ से भी कार वालों ने कर दी डबल लाइन। अब आगे से वो छोटा टेम्पो आ गया, अब उसको जगह नहीं है, उसके पीछे और गाड़ी खड़ी हो गई है। अगर उसको मतलब इधर से कार डबल लाइन ना करती, उसको जगह होती, वो आराम से निकल जाता, वो जाम लगता ही नहीं। बड़ा बढ़ गया पंखा। तो हल्की हल्की अपने यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, शीशे में देख सकते हो आप। यहाँ पे तगड़े वाला जाम। अपने पत्ते का नेट गिर गया था, भाई ने बोला नेट गिर गया आपका, नेट में ले आया नेट लगाने के लिए। और बाइक राइडर्स देखो यार, जल्दी से बस 1 लाख चैनल कंप्लीट करा दो। हम भी यूं ही बाइक राइडिंग करते करते आएंगे। किसने Insta 360, किसने GoPro, किसने कुछ लगाया हुआ है। देखो हम भी आएंगे एक दिन। अपना नेट अच्छे से यहाँ पे लगा नहीं, पट्टे यहाँ पे गिर जाते तो मैंने पट्टे उतार के रख दिया अंदर। अब भाई ने बता दिया था कि इधर पट्टे गिर जाते हैं। आप चलते हैं आगे। यहाँ पे तो अभी कोई सीन नहीं है, हमें बाइक की गाड़ी अनंतनाग की है ना, भाई से कर रहे हैं बातें। हाँ आया, यहाँ पे चाय बनाई हुई थी ना, वही बची है तो पीते है चाय। जी जूते ठंड नहीं है, जूते कहाँ से लगाऊं, कहाँ ठंड है। चाय है ना 3 कप निकल गई ना, 3 से ज़्यादा है ना। हाँ ये एरिया मुझे बताओ, ये अपने क्या बोलते जोजिला में पड़ा ना ये एरिया। जोजिला में हम पी रहे हैं चाय, चाय डूमरी मतलब जोजिला मैन जोजिला ही है ना। यहाँ पे पूरी बर्फ, जाम लगा हुआ, चाय भी पी ली। आगे डैम्पर एक खाली हो रहा था, उसका डाला पूरा ऐसे ना ऐसे टेढ़ा हो गया, वो आपको दिख रहा है। तो चलते वहाँ पे देखते हैं उसको क्या सीन है। यहाँ पे फेंक रहा था ईंटें वगैरह कुछ, पूरा टेढ़ा हो गया, फाइनली खाली हो गया। इसी का जाम लगा हुआ था, आप धीरे धीरे खुल जाएगा। पूरा डाला इसका टेढ़ा हो गया था, अब धीरे धीरे गाड़ियाँ से निकल रही हैं, कारें। ईंटें टाइप जो रोड के साथ में बन रही है, काम शाम हो रहा है उसका। छोटी छोटी गाड़ी निकल रही है, बट आगे से भी गाड़ी आ गई है। देखो ट्रिपल लाइन कर दी, ट्रक की लाइन वो खड़ी है, जाने वाली लाइन है, उधर से बाहर होके आ गई। और पीछे अपनी पूरी लाइन ही लाइन हो रहा है, धीरे धीरे खाली हो रहा है। चलो चलो चलो, थोड़ा आगे से करके फिर जोर मारेंगे ना, फिर आएगा सारा नीचे। आ जाएगा धीरे धीरे झटके मार के। यहाँ से मैं नीचे दिखाऊँ ना, नीचे देखो ठंड काफ़ी लग रही है, बिल्कुल ठंड है। शाम का वक्त हो गया ना, अब ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। अब कर रहे हैं हाथ से ही नीचे, क्योंकि अगर ज़्यादा आगे चला गया ना, ये खिलारा हो जाएगा आगे, तो फिर बाकी गाड़ी को दिक्कत हो जाएगी। साथ में इनको ट्रिपर वापस घुमाना भी है ना, तो यहीं पे जगह, आगे जगह नहीं घुमाने की, फिर यहीं पर हाथ से कर रहे हैं खाली। बस आगे से डबल लाइन है, वो भी कर रहे हैं दाएं बाएं कहीं ना कहीं घुसा रहे हैं, फिर भी दाम निकलेगा। बाकी भाई यहाँ से निकाल रहे हैं, बस कार वाले ही हैं भाई। बड़ी कार फिर तो ऑलमोस्ट ठीक ही रहते। देखो तो वो पार जाने वाली गाड़ियाँ, ये आने वाली गाड़ियाँ, ये ओवर लाइन। अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो इग्नोर करते हैं। यहाँ से निकल के मैं चलता हूँ पीछे, बाहर काफ़ी ठंड है, तो चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। देखो ये भी रॉन्ग साइड, ये भी रॉन्ग साइड, सभी रॉन्ग साइड। बस यहाँ पर यही दिक्कत होगी। आप कर रहे हैं कोई आगे कोई पीछे, धीरे धीरे आगे पीछे करके जगह बना रहे। टिप्पर निकलेगा ना, फिर उसके पीछे कारें आराम से निकल जाएगी। अब पीछे देखो ना, इस गाड़ी मतलब यही है जो रंग है, बाकी पीछे पूरी लाइन जो जाने वाली है वो क्लियर है। मतलब ये अपनी गाड़ी से ऐड करेंगे तो वो वाली लाइन आराम से चलेगी, फिर हमारी भी चल पड़ेगी। उधर से वो गाड़ी है, इधर से ये। अब आगे वाली थोड़ी थोड़ी आगे कराई ना, इनको कराते हैं आगे, ये वाली निकलेगी साइड, फिर टिप्पर की जगह बनेगी। कितनी सॉरी पास गाड़ी है, पीछे तो पूरी लाइन क्लियर है ना, बस टिप्पर की जगह है ही नहीं। यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह बची है, बस ये थोड़ी सी कार अंदर और टिप्पर निकल जाएगा, उसके पीछे छोटी गाड़ियाँ सारियाँ निकल जाएंगी। अब ये कर रहे हैं साइड, आप टिप्पर निकालेंगे यहाँ से, निकल रहा है टिप्पर जगह बन की। जैसे भी करके कारें साइड में रेस्ट की हैं, हम निकालते हैं ऐसे टिप्पर। जैसे टिप्पर निकलेगा तो बाकी कारें पीछे निकलेंगी ना, फिर हमारा सीन बन जाएगा निकलने का। निकल गया टिप्पर, उसके पीछे पीछे आप पूरी लाइन चल पड़ी, टेम्पो छोटी गाड़ियाँ सभी। आप तो जाएंगे आगे से टापो टाप, आगे तो जाम है ही नहीं इनको अपनी साइड में, और कोई रॉन्ग साइड नहीं आएगा तो ये गाड़ियाँ आराम से जाएंगी। गाड़ी में ना अब धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम भी चलते हैं गाड़ी में। और यहाँ से खाई देखो यार, गया पत्थर नीचे, वो नीचे तक जाएगा। बस कार वाले वहाँ से साइड हुए ना, उसके बाद अब तो कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही हैं, बस हम भी निकलेंगे। यहाँ पे बाइक राइडर्स कितने ख़राब रास्ते निकाल दिए, इन्हीं को देख के वो लाइन याद आ गई कि हम राइडर्स हैं, हम लड़कियों के और जाम में फंसा नहीं करते। चलो ये स्टाफोर्ड आप अभी भी हल्का हल्की गाड़ी चल रही है, स्टार्ट करती है सबसे चलने वाली गाड़ी है। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, मैं तो सोनामार्ग दिखाने वाला था 5:04 और 3 बजे हम निकले थे 2 घंटे में। और 2 घंटे में यकीन मानो हमने, मतलब गैस करो, सबसे पहले कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा, गैस करो कि हमने इन 2 घंटों में कितने किलोमीटर सफर निकाला होगा इस जाम में। चलो मुझे लगता है अब तक गैस कर लिया होगा कितना निकाला हमने। 7 किलोमीटर 2 घंटों में हमने कम से कम 7 किलोमीटर सफर निकाला है। अभी बच चुके हैं टाइम 5:04। उम्मीद यही है जो आगे से गाड़ी आ रही है वो बोल रहे हैं कि बस 2 मोड़ ही आपको जाम मिलेगा, वही पैसेंजर गाड़ी का, उसके आगे जाम नहीं है। अब देखते हैं कि सोनामार्ग कब तक पहुँचते हैं। थोड़ी सी चले, यहाँ पे टेम्पर फंसा था, टिपर यहाँ पे खाली और था, उस मोड़ में हम पहुँच गए। और यहाँ पे भी 100 भर मिली, वहाँ से मैं ग्लास भर के ले आया ऐसे ही। अब ये देखते हैं इसको मैं कहीं फेंकूंगा नहीं। अब देखते हैं ये पिघल पिघल के कितना पानी बचेगा। हाँ बताओ कितना बचेगा, हाथ से देखते हैं उसके कितने आसपास होगा। इतना इन्होंने किया 3 लाइन नीचे, 4 लाइन नीचे, तो आधा है ना। मैं कह रहा हूँ इसमें पानी पता कितना होगा, इतना पानी निकलेगा। आपने इतना कहा ना, मैंने कहा इतना। मेरा पहली लाइन तक, आपका दूसरी लाइन तक। देखते खाली होने के बाद कितना पानी बचता है इसमें। ये खाली होगा सोनामार्ग से आगे ही, बहुत आगे जाके खाली होगा। बट मैंने ऊपर एक चीज नोटिस नहीं की, देखो नीचे बर्फ है, उसके ऊपर देखो मिट्टी स्लाइडिंग होगा, लैंड स्लाइडिंग होगी यहाँ पे। इस जगह में पूरी मिट्टी मिट्टी ना ऊपर से आ गई, बट पहाड़ों में मिट्टी कहाँ आई वो मुझे समझ नहीं आया। बट हो सकता है पहाड़ों के पीछे मिट्टी, और मिट्टी आई है यहाँ पे देखो, पूरी नीचे तक ही आई है। यहाँ पे भी देखो पेड़ है ही नहीं है बिल्कुल, मतलब सीजन भी कम है, बट पेड़ आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। और बाहर का तो अभी आप जानते ही क्या हालात है, कितने कई जगह 50-52 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। उसी के ऊपर कुछ लाइन की पेड़ लगाओ, दिल नहीं ये शाम देंगे गाँव नहीं। हल्की हल्की चल पड़ी बर्फ के साथ साथ हम भी चल पड़े। आगे वाली लाइन अभी खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे वही देखो जैसे टेम्पर माल अपना फेंक के गया ना, वैसे यहाँ पे जगह जगह वही पड़ा हुआ है, रेता ये वाले पड़े हुए सीमेंट के चिपने। ये पता कहाँ लगेंगे, ये लगेंगे रोडों पे। ऐसे देखो अभी तक कच्ची रोड पे चल रही थी ना, अब आगे पक्की रोड में, जो पक्की नहीं पड़ी टाइलें पड़ी हुई है। यहाँ पे बंदे भाई अपना कर रहे काम, अच्छा आ गया थोड़ा जाम कम मिलेगा। और अपना वीडियो का टाइम भी हो गया, बट नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, पता नहीं आज टाइम से अपलोड होगी भी या नहीं। भाई ने ठीक ही कहा था कि आगे आपको जाम नहीं मिलेगा, बस थोड़ा ही टर्न किया आगे, 2 ही टर्न थी, उसके आगे देखो रोड। ऐसा कि मानो यहाँ पे कोई जाम है ही नहीं था कभी। चलते हम खींच के, आप देखो बर्फ ही बर्फ, बीच में पानी पानी, ऐसे गाड़ियाँ पानी के बीच से जा रही है, क्योंकि बर्फ ना साथ साथ पिघल रही है। फिर कभी रात को ज़्यादा ठंड होती है तो बर्फ पड़ जाती है, बट साथ साथ में पिघल जाती है, और बर्फ के साथ साथ ही चल रही है। यहाँ पे बना हुआ शेरों के लिए कुछ, टूरिस्ट काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे भी। तिरंगा क्या लहरा रहा है, कितना मस्त प्यारा लग रहा है। आप देखो यार कितना चीज़ मैंने आते टाइम मिस कर दी थी, कि आते टाइम भी बंद हुई होगी, बट हम रात को अंधेरे में निकले ना, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया यार। एक बार चल तो यार कितनी अमेजिंग है, और एक बार फील करके देखो ये पहाड़ पूरे बर्फ से कवर है। और यहाँ पे बोर्ड आ गया, थैंक्स फॉर योर विजिट। और ये हम जोजिला के चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और लद्दाख यहाँ से खत्म हो चुका है और श्रीनगर यहाँ से स्टार्ट। बैकग्राउंड में देख सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी है और मैं यहाँ से पैदल आके जा रहा हूँ। एक रील ही शूट कर दूंगा और एक बार व्यू देखो यार, आसमान, पहाड़ी, जन्नत वाला फील हो रहा है। मतलब आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो मर्जी हो एक ना एक टाइम निकाल के, वक्त निकाल के लद्दाख का ट्रिप जरूर करना। यहाँ पे कारों वाले डबल लाइन कर दी, बड़े बर्फ चलते हैं धीरे से आगे। बर्फ के नीचे से ना पूरा पानी निकल रहा है देखो, और पाँव मेरे गीले हो गए, इतने ठंडे हो गए ना। भेड़ बकरी का जाम खत्म हो गया, अब गाड़ी निकलेंगी धीरे धीरे आगे। चल पड़ी गाड़ी और मैं आ चुका हूँ पूरा बर्फ में। यहाँ पे काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ से उठाएंगे अपनी गाड़ी की रील, प्यारी सी रील। वहाँ पे रील उठाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी यहाँ स्किट हो रहे थे, पूरे पैर स्किट हो रहे थे। फिर मैं यहीं से रील उठाते हैं हम। इतना ठंडा पानी ना, बर्फ के ऊपर कोशिश की वहाँ से बनाऊंगा, वापस स्किट हो रहा है, मैं गिर जाऊँगा यहाँ से। और सांस इतना फूल गया ना अभी, क्या बताऊँ यार। और रील को बाहर निकल के कैसी रील बनी। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं 0 पॉइंट पे। यहाँ पे देखो टूरिस्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं और बाहर देखो वो, अब आपको दिखेगा वो जो होता है ना गाड़ी वाले छोटे, वो पहाड़ों के ऊपर चल जाते हैं। पूरा 0 पॉइंट टूरिस्ट पहाड़ों में, पूरी टूरिस्ट गाड़ी खड़ी है। बट हम खड़े नहीं हो सकते, बट किसी ना किसी दिन जरूर खड़े होंगे यार। जब क्या है ना गाड़ी पे तो पूरी सांस चल गई मेरी। चलो यहाँ से निकल के आगे। यहाँ पर रोड ही खराब है ना, गोड़िया मेरा बाबू नीचे गिर गया। मेरे बाबू को ठंड लगी, बाबू मेरे बाबू को ठंड लगी। अब नहीं लगेगी, बाल तो पीछे करो। बाबू ठंड लगी, अब सारी ठंड दूर होगी, अब नहीं लगेगी। बाबू को बीच में रखेंगे जहाँ तो बर्फ मेरी पूरी पिघलती नहीं, फिर ये बोलेगा बाबू बाबू रोड में तो सुराख हो गया हो, ये क्या हो गया, रोड के बीच में सेद हो गया। बर्फ ही बर्फ है यार, मैं तारीफ किए बिना रह नहीं सकता यार। कभी बाइक में, कभी मेरे पास बाइक हो और पीछे, चलो छोड़ा इसको इग्नोर करते, बाइक हो और मैं यहाँ पे आया हूँ राइड के लिए। आगा जोजिला बिल्कुल टॉप, देन इधरी पहाड़ी, इधरी पहाड़ी। और जो पहले रास्ता जाता था ना वो यहाँ नीचे से जाता था, मतलब जाने वाली गाड़ियाँ नीचे से भेजेंगे और आने वाली गाड़ियाँ ऊपर से आएंगी। बट काफ़ी टाइम से बंद हो गया, बहुत टाइम हो गया। अब ना दोनों गाड़ियाँ यहीं से आती हैं क्योंकि अब सिंगल कार्रवाई है ना, तो यहाँ से आती है। आप देखिएगा पूरा अलग सा मंजर। अब मैं दिखाता हूँ, हमें पता कहाँ से आना। वो रोड पे गाड़ी दिख रही है ना, हमें कम से कम आधा घंटा पहुँचेगा वहाँ लगने में, हमें जाना वहाँ से। और नीचे वाली रोड आप देख ही पा रहे हो, वो नीचे वाली रोड, ये वाली। यहाँ पर लगे हल्का हल्का जाम और यहाँ पर जो भी बाइक राइडर्स हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं ना, वो अपने फोटो खिंचा रहे हैं। आई लव जोजिला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी तगड़ी तगड़ी बाइकें यार। 1 लाख सब्सक्राइबर बस, क्योंकि घर से परमिशन लेनी पड़ती है ना, वो मेन मसला है। वो हमें मिलेगी 1 लाख जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे अपने चैनल में, तब हमें घर से परमिशन मिल जाएगी यहाँ पे बाइक राइडिंग करने की। और यार ऊपर पूरा धुंध पड़ा हुआ, नीचे में दिखाता हूँ। और वो आ गया अमरनाथ यात्रा, यहाँ पर स्टे करती आते हुए दिखाया था। और वो बाहर मोड़ मोड़ मिल रहे हैं ना, नीचे वाला मोड़ है, वहीं पर हमने कम से कम 4 घंटे आते टाइम खड़े हुए थे उस जगह में। उस जगह जाम लगा था, अभी हम वहीं से गुजरेंगे। और नीचे वाली रोड आ रही है ले, आपको दिख रही है, जो कि पूरी टूट चुकी है, पूरी बह चुकी है। चलो 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 चलो, काफ़ी गहराई है यहाँ पे यार। नीचे अपने मैं दिखाता हूँ आपको कितनी गहराई है। यहाँ पे आ गया मंदिर, जो भी यहाँ पे आते हैं माथा टेक के ही आगे जाते हैं। यहाँ पे जगह आगे पूरा ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है ना, पानी है पूरा, और जगह नीचे रुड़ जाती है। गाड़ी गंदी जगह है, सिंगल जगह देखो, सिंगल गाड़ी यहाँ से क्रॉस होती है। और कार वाले यहाँ पे फिर भी डबल करके जा रहे हैं। ये यार जगदम आ गई, पूरी ब्रेक मेरी, टायर रगड़ाने हो गए, मुझे लगा क्या हो गया। देखा ये कार वाला आ गया यार, मतलब आपके सामने है यार। फिर लास्ट टाइम ना जितना हो सकता है हम इग्नोर करते हैं, क्या ही किसी की बुराई करनी। बट फिर भी यार आते हैं, अब इतनी बार आते हैं, मतलब कितनी बार सहेगा। पूरा यहाँ पे पानी पानी। चलो इस तरह बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, दिखाता हूँ आपको पीछे वाली लाइन, ये वो लाइन, वो लाइन, वो लाइन, यहाँ तक नजरें जा रही है ना, तो यहाँ तक लास्ट तक नजरें आ रही है ना, वहाँ तक लाइन ही लाइन है। और बस 2 मोड़ और काटेंगे फिर हम पहुँच जाएंगे बाल टाल के ऊपर। यहाँ पे हमारी यात्रा रुकती है। बाल टाल का व्यू यहाँ से पूरा दिख रहा है, बट ना पीछे यार देख के बुरा लगा। वो उस वॉर से नीचे मेरे नजर आ रही है। नीचे खाई में रेड कलर की बाड़ी पड़ी है, कैपन कुबर है ही नहीं और काफ़ी दूर पड़ी है, बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। पता नहीं चल रहा कि किस गाड़ी की थी, बट कोई ना कोई गाड़ी नीचे की है, उसका सिर्फ बाड़ी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा दूर नीचे। तभी तो ये आपने रोड देख ही लिया, तभी तो ये मोस्ट डेंजरस रूट में ये रोड भी गिना जाता है। जब यहाँ का टनल निकल जाएगा तब तो खैर नहीं रहेगा, तभी ऊपर वाला सिस्टम रहेगा, नीचे वाला तो नहीं रहेगा, बट तब तक ये डेंजरस लिस्ट में रहेगा। यहाँ का तो खैर मैंने आते हुए ब्लॉग में कवर किया था, अभी ज़्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे, अभी चलेंगे सीधा आगे। और देखो कितने जल्दी पहुँच गए, अभी सोनामार्ग भी पहुँचे, अभी मालटा भी पहुँचे। कितना टाइम हो गया, 5:50 लगभग 6 बज चुके हैं, तो 6:30 बजे तक हम सोनामार्ग हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया मंदिर और इसका भी एक अलग ही इतिहास है। यहाँ पे देखा तो पहले रोड थी, ये ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर थी, वो पास सामने ऊपर थी, पुराना मंदिर, वो है पुराना मंदिर, ये नया मंदिर। पुराना मंदिर रोड ऊपर थी ना, फिर रोड को सीधा किया गया, काफ़ी ज़्यादा डाउन किया गया, वो पार्टी शार्ट की गई, उसके वजह से वो मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया। उसके बाद इस एरिया में एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, यहाँ पे नीचे में अलग से मंदिर बनाया, उसके बाद नहीं हो रही एक्सीडेंट बहुत कम। यहाँ से ऊपर रोड दिखाई ना, जो पुरानी रोड थी, यहाँ से गाड़ी आया करती थी, वो यहाँ से आके नीचे उतरा करती थी, ये इस जगह से आप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर फिर सांप की तरह ऐसे शू करते ऊपर, यहाँ से डाउन उतरती। अब तो खैर बंद हो गया सब कुछ। जैम की वजह से हमारा एक और बाबू गिर गया। बाबू तुम्हें भी यहाँ पे डाले क्यों बाबू? अब कैसा लग रहा है लद्दाख का सफर, तुम्हें कैसा लगा? कमेंट करके भाई आप भी बताना आपको ये लद्दाख का टूर कैसा लगा। उसी जगह पहुंच गए यहाँ में रात को निकले थे ना, जब सोनामार्ग से तो हमें जाम लगा था। इस मोड़ में हमने अपनी ज़िंदगी के, अपने ट्रिप के 4 से 5 घंटे दे दिए। चलो 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 चलो, पहाड़ी का क्या अलग व्यू आ रहा है यार, मस्त फीलिंग, हैप्पी, एक्साइटेड। वो टॉप से निकल गया, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वहाँ से हम होके आए, वो बल टल रह गया पीछे, हम वहाँ से निकला है आगे, तो थोड़ा सा आगे रह गया अपना सोनामार्ग, वो पार। और यहाँ पे बारिश देख सकते हो, यहाँ सोनामार्ग में तगड़े वाली बारिश लगी हुई है, यहाँ पे पूरा शीशा गीले हो गए, बारिश। इसका मतलब रात को यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ सकती है। और देखो बादल पूरा पहाड़ियों के, और मतलब इस पहाड़ी और मेरे इसके सेंटर से बादल ये उड़ रहे, मतलब लाइक धुआं टाइप ही है कुछ। धीरे धीरे चल रहे बारिश में आगे, पूरा कांच गीला हो गया, आगे रोड भी देख सकते हो, रोड भी गीली, इतने तगड़े वाली बारिश है। 100% ऊपर तो बर्फ पड़ेगी आज। फिर से नॉर्मल सा जाम लग गया भेड़ बकरियों का, खड़े बाहर देखो पूरी धुंध टाइप पड़ गई है ना, वो पार पहाड़ी में बर्फ। बस मतलब ज़्यादा मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ, ज़्यादा इतना बर्फ कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले ना, अब कुछ टाइम में सोनामार्ग पार, फिर उसके बाद बर्फ़ वगैरह, ठंड कुछ नहीं। उसका जैसे जैसे श्रीनगर पार करेंगे गर्मी, जम्मू में तो गर्मी है, उसके आगे तो गर्मी, इसलिए मैं ज़्यादा बर्फ़ कर रहा हूँ। बस कुछ मिनटों या कुछ घंटों में नहीं रहे, कुछ मिनटों का फासला इन बर्फ़ों का, उसके बाद ये नहीं मिलेगी जब तक वापस हम यहाँ पे नहीं आते। पहुँच गया मीना मार्ग, वो पार से हमने टैंकरों को रोका गया, यहाँ पे टैंकरों को रोका जाता है और पीछे ट्रकों को। यहाँ पर आ गया चेक पोस्ट, यहाँ से आते हैं हमसे पैसे लिए गए थे हाइट के, क्योंकि हाइट थे ही नहीं। अब यहाँ से पीछे कार्रवाई होगी पूरी, यहाँ से कार्रवाई देख सकते हो, सिर्फ टैंकर मिलेंगे, वो पीछे तक जो रोकी गई है, क्योंकि कल यहाँ से चोरी थी, तो आज ऊपर से जहाँ से हम आए वहाँ से चोरी है मीनाबाद से, एंड कल फिर से इनकी तरह कल यहाँ से चोरी जाएगी, यहाँ से सबसे पहले टैंकर छोड़ी जाएगी ना, उसके बाद पीछे तक। अब वो लंबी लाइन है, वो पीछे ग्राउंड तक है, सिर्फ टैंकर बाहर रोड पर। और यहाँ से अपनी ट्रकों की लाइनें स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं यहाँ पर कितनी गाड़ी है, बहुत गाड़ी है भाई, बहुत गाड़ी है। आगे वाला ग्राउंड पूरा फुल है, पीछे वाला नॉर्मल है, पीछे वाला इतना खास नहीं है। और टैंकर बाहर ही खड़े क्योंकि इनका कोई कांटा है, तो यहाँ पे चेकिंग कुछ नहीं होता, ये तो बार करते हैं। सोनामार्ग सिटी कहाँ गई अभी आएगी, तो मैं कहूँगा भाई यहाँ का पूरे देखो, बहुत बड़े ग्राउंड है। और पीछे कुछ दिनों से मेरी रीच काफ़ी डाउन चल रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही आई थिंक, तो वीडियो को जितना हो सके ना बस शेयर कर दो, लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी, बस शेयर ज़रूर कर देना। रोड के बीच में क्रिकेट यार, कौन क्रिकेट, रोड के बीच में क्रिकेट, वाह जी वाह क्या बात है। आगे डैम्पर मोड़ रहा था, उनको देते हैं जगह। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसे हम सोनामार्ग में पहुँचेंगे, मीनामार्ग से निकलते हुए मैं आपको टाइम दिखाऊंगा, और फाइनली टाइम दिखाने का वक्त आ गया क्योंकि हम सोनामार्ग में पहुँच चुके। 6:30 बजे का टाइम हो रहा, हम निकले थे 3 बजे, 3, 4, 5, 6 3.5 घंटे लगे हमें, 50 से 55 मतलब 60 किलोमीटर मान के चलो, 60 किलोमीटर हमने 3.5 घंटे में निकाला। सोचो इतना जाम लगता है। जो से आते टाइम टनल दिखाया था ना मीनाबाद से पीछे वाला, वो यहाँ से सोनाबार के इस तरफ से निकलेगा, यहाँ से ऊपर से खुदी हुई जगह से यहाँ से अंदर जा रहा है और वहाँ से बाहर निकलेगा। एक टनल जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब जोजिला बाईपास वाला रास्ता बाहर ही हो जाएगा। फिर इस रास्ते को थोड़ा डेंजरस रास्ता नहीं कहा जाएगा, अभी उसी रोड की वजह से डेंजरस रास्ता कहा जाता है। वो सारा डाउन उतर के सोनामार भी क्रॉस कर दिया, पहुँचने वाले हम कंगन। और यार हमारा बाबू टेढ़ा हो गया, बर्फ देखो कितनी पिघल गई है। पानी का आधा गिलास अभी हो गया, पता नहीं पिघलने के बाद कितना होगा। अब यार अंधेरा भी पड़ने वाला है और श्रीनगर से लेके लद्दाख तक जो रोड है ना वो है NH-41, पूरी एक रोड NH-41। पूरे 8 बजे का टाइम और अंधेरा भी पड़ गया और हम रुके कंगन मैन सिटी क्रॉस करके आगे रुके और बर्फ़ अपनी ख़त्म हो चुकी है, वो दूर पहाड़ों में दिख रही है, बाकी आसपास तो कुछ नहीं। पहुंच गए ढाबे में, यहाँ पे पियेंगे चाय, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। आगे अपनी चाय साथ में एक मट्टी खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। आगे सीधा लाइन में खड़े होना ना कानवाई में। हाँ, आज नीचे से कानवाई थी, कल सॉरी आज इधर से कानवाई थी, कल नीचे से होगी, परसों कानवाई होगी हमारी। अभी अपना दिन का खाना तो बचा हुआ है, शाम को चावल ही बनाने बस। 8:30 बजे का टाइम आ गया गाड़ी में और 3 बजे मैंने बर्फ़ यहाँ डाली थी गिलास में, अभी इतनी बची है, गिलास फुल हो चुके हैं जी। ये है बाबा नगरी सर, गिलास तो देखो, गिलास अभी फुल नहीं होगा, ये पूरा पिघलेगी बर्फ, तो फुल हो चुका है, नहीं हुआ, ये थोड़ा ही रहा ना। और हमारी ये नीचे गिर चुकी थी, कहाँ गई ये? बाबू को वापस अपनी जगह में लगा देते। श्रीनगर यहाँ पे बोर्ड लगा 35 किलोमीटर। पहुँच गए हम श्रीनगर वाली मेन रोड में, 4 लाइन में। अब बस इसी में चलना है हमें, कम से कम भी 100 किलोमीटर। यहाँ पे बोर्ड होगा काजीकुंड का 81 किलोमीटर है, 81 किलोमीटर हमें इसी रोड में चलना है, फिर आगे कानवाई में जाके खड़े होना है हमें। यहाँ की श्रीनगर फ्रूट मंडी पीछे, ये वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई जो अपना किराया पकड़ने के लिए यहाँ पे खड़ी है, वेट कर रही है। यहाँ पे सब्जी वगैरह लाए थे, ये वाली हमें कुछ चलते चलते काट लेता हूँ ना, यहाँ पे जहाँ पे खड़े होंगे वहाँ पे तुरंत खाना बनाएंगे। फिर हम पहुँच गए संगम, यहाँ पे रुके, सब्जी वगैरह काट दी, चावल बन के रेडी हो गए, बस बनाते हैं खाना। और टाइम क्या हो गया अभी? टाइम हो गया 23:26, मतलब 11:26, 11:30। खाना पीना भी अपना हो गया। अभी रुके संगम में, कानवाई में इसलिए नहीं गए क्योंकि कल नीचे से कानवाई है, तो परसों वैसे 2 दिन टूटने। अब यहाँ पे रुके तो कल सुबह पता चलेगा लोडिंग का, कल कुछ ना कुछ लोड करेंगे, तो अगर लोड हो गया तो मुगल रोड से जाएंगे, वो भी आपको बेहतरीन ब्लॉग मिलने वाले। वरना कल इधर बैठ रहे थे तो पूरे दिन कोई शूट भी नहीं करते, तो आप बोलते ब्लॉग छोटा है आज का, तो खैर बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट मुगल रोड से जाएंगे तो एक तगड़ा व्यू, फिर से हमें बर्फ मिलेगी, पीर गली, मतलब बेस्ट वीडियो आएगी। अब देखते हैं, वो तो सुबह ही पता चलेगा लोड होगा या नहीं, अगर होगा तो वहाँ पर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से आगे कानवाई में खड़े हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड नाइट। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि आपके अलावा कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से प्यारी सी गुड नाइट।